गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका हिंदी का क्लास है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे चैप्टर 4। इससे पहले हमने चैप्टर 3 देखा था, आपका चैप्टर 2 बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने के कारण हाँ उसको भी छोड़ दिया गया, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 देखेंगे, पत्र देखेंगे, पत्र यानी कि लेटर। हम लोग जो है पहले जो है इससे पहले अभी तो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल का सहारा लेते हैं, ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह तुरंत बात कर लेते हैं। लेकिन पहले का जो ज़माना था उसमें क्या किया जाता था, ये सब साधन नहीं था, तो क्या किया जाता था, लेटर भेजा जाता था, पत्र भेजा जाता था एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता था, ठीक है, एक जगह से दूसरे जाने जगह ले जाने में, फिर उसको क्या करना, उसको फिर पोस्ट ऑफिस के द्वारा उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना, काफ़ी ज़्यादा उसमें क्या होता था, समय लगता था। लेकिन अभी के दौर में हम लोग क्या करते हैं, तुरंत बात हो जाता है, चूँकि कम्युनिकेशन का दुनिया है, ठीक है। तो पहले जो है वो हम लोग क्या करते थे, पत्र के सहारा हम लोग क्या करते थे, अपना संवाद करते थे, यानी एक दूसरे से बात करते थे, ठीक है। और आज अगर लेटर भेजते थे, अगर आज जो मेरे मन में था, आज जो कहना होता था, उसको 4 दिन में उनको पता होता था, या 2-3 दिन में ऐसे लगता था, ठीक है। और फिर उनको आते आते यानी कि बहुत ज़्यादा समय लगता था उसमें, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा जरिया था ये। हाँ, तो हम लोग पत्र देखेंगे, पत्र जो है वो पत्र के बारे में समझेंगे कि क्या उस पत्र जो है उसको, हाँ, कैसे वो कहानी उनका बनाया गया पत्र पे, ठीक है। माँ कहती है कि चिट्ठी को पत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि चिट्ठी को ही क्या कहा जाता है, पत्र कहा जाता है, ठीक है। चिट्ठी को ही पत्र, लेटर, सब चीज़ कहा जाता है, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग, देखो चिट्ठी वाले डिब्बे पर पत्र लिखा है, चिट्ठी के ऊपर जिसके अंदर जो है चिट्ठी होता है उस पर क्या होता है, उसके ऊपर एक डब्बा बॉक्स जैसा बना होता है, ठीक है। कहता है देखो चिट्ठी वाले डब्बे पर, ठीक है, पत्र लिखा है ना, उसको कहता है अपने बेटे को कहता है, ठीक है। अलग अलग देशों में चिट्ठियों के डिब्बे अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है, यानी कि जितना भी देश है सब में क्या होता है, सब में अलग अलग चिट्ठी के डब्बे होते हैं। किसी में कोई और तरह का होता है, तो हमारे यहाँ कोई और तरह का होता है, ठीक है, यानी कि सारे जगह क्या होती है, अलग अलग डब्बे होते हैं, ठीक है। अधिकतर देशों में डाकखानों के चिट्ठी वाले डब्बे लाल होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर देशों में हम लोग देखते हैं कि जो डाकखाना होता है, डाकखाना किसको बोलते हैं हम लोग, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जहाँ से हम लोग चिट्ठी को भेजते हैं और जिसके जो जिसके पास पहले पहुँचता है, यानी कि पहले किसके पास पहुँचता है, डाकिया के पास, और वो क्या करता है, देता है वहाँ पर, ठीक है, जिसका रहता है, ठीक है। तो डाक खाना होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेटर जहाँ से हम लोग भेजते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाक खाना बोलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर हम लोग देशों में देखते हैं कि डाक खाने के चिट्ठी वाले डब्बे कैसे होते हैं, लाल होते हैं। आप लोग याद रखेंगे कि ज़्यादातर देशों के डाक वाले चिट्ठी कैसे होते हैं, लाल डब्बे, ठीक है। कुछ में अलग रंगों के भी होते हैं, ठीक है, कोई ऐसा देश होता है जिसमें क्या होता है, लाल ना होकर के कोई और रंग का होता है, ठीक है। घर में भी चिट्ठियों के डिब्बे होते हैं, ठीक है, आप लोग जानते हो, अगर आप लोग के यहाँ अगर पत्र आया होगा, ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे कि वो क्या होगा, आपके घर में भी होगा, ठीक है। इनके रंग और आकार अलग अलग होते हैं, जितने भी चिट्ठी होते हैं, चिट्ठी हर एक तरह का होता है, ठीक है, सभी का क्या होता है, अलग अलग रंग और अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। कहता है घर के चिट्ठी वाले डब्बे में भी हमारी चिट्ठियाँ आती हैं, ठीक है, घर पे जो डिब्बा होता है उसमें भी क्या होती है, चिट्ठियाँ आती हैं, ठीक है। चिट्ठी वाले डब्बे को पत्र पेटी कहते हैं, जिसपे चिट्ठी होता है, जिसमें चिट्ठी रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, पत्र पेटी कहते हैं, यानी कि पत्र माने कि चिट्ठी, पेटी माने बक्सा, यानी कि पत्र का जो बक्सा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पत्र पेटी कहते हैं, ठीक है। जिनको हिंदी जिनका हिंदी नाम नहीं पता होता है वे लेटर बॉक्स कहते हैं, ठीक है। अगर आपको हिंदी नाम नहीं पता है तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, लेटर बॉक्स के नाम से भी हम लोग उसको क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। डाकिया जब चिट्ठी लाता है, ठीक है, डाकिया जब चिट्ठी लाता है तब अगर नहीं पता होता तो वे कहता है डाकिया जब चिट्ठी लाता है तब अगर हम घर पर घर में ना होते हैं तो वो क्या करता है, पत्र पेटी में रख देता है, ठीक है। जब आता है लेटर, अगर हम लोग घर पे नहीं हो तो क्या करता है, लेटर बॉक्स में क्या करता है, उसको पत्र को रख देता है, ठीक है। जब हम अपने घर आते हैं, ठीक है, तब उसमें से अपनी चिट्ठी निकाल लेते हैं,
ठीक है, जब लेटर बॉक्स में हो तो हम लोग क्या करते हैं उसमें से असाइनमेंट चिट्ठी निकाल देते हैं और फिर क्या करते हैं उसको पढ़ते हैं। ठीक है, निशु के घर में एक पत्र पेटी नारंगी रंग की है। तो निशु के जो निशु एक लड़की है, ठीक है, उसके घर में जो है उसकी जो पत्र पेटी है यानी कि लेटर बॉक्स जो है वो कैसा है, नारंगी रंग का है। ठीक है, यानी कि ऑरेंज कलर का है। ठीक है, उसमें से अपनी चिट्ठी निकाल लेता है लेते हैं सॉरी निशु के घर में पत्र पेटी नारंगी रंग की है। ठीक है, आज उसमें से उसके दादाजी का पत्र आया है। ठीक है, तो निशु जो है उसके उसके घर पे घर में जो है एक पत्र पेटी है जिसको जिसका रंग कैसा है, नारंगी है। ठीक है, और उसके दादाजी का उसमें क्या है, पत्र आया है। ठीक है, आज उसमें उसके दादाजी का पत्र आया है, उसे पाकर निशु बहुत खुश है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा, पत्र देखा, पत्र के बारे में समझा। ठीक है, कि पत्र जो होता है उसको हम लोग चिट्ठी भी कहते हैं और जिस पत्र को जिस डब्बे में रखा जाता है उसको हम लोग लेटर बॉक्स कहते हैं या पत्र पेटी कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से समझाया गया है पत्र को। ठीक है, निशु के घर उसके दादाजी का पत्र आता है और उसकी पत्र पेटी कैसी होती है, उनके नारंगी रंग की होती है और सभी देशों में अलग अलग क्या होती है, पत्र पेटी का रंग होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कुछ वर्ड मीनिंग है। अधिकतर माने होता है ज्यादातर। ठीक है, खुश यानी कि प्रसन्न, पृथक, पृथक माने अलग अलग होता है यानी कि अलग अलग का ही पृथक हो जाएगा। ठीक है, लेटर बॉक्स यानी कि चिट्ठी डालने की डब्बा, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं चिट्ठी डालते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, लेटर बॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे उसको आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।